हेलो व्यूअर्स, आपका टेस्टी वेज रेसिपी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मटर पुलाव बीटरूट के रायते के साथ। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान है। लंच और डिनर के लिए एकदम परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप बासमती चावल लिए हैं। हम इसे अच्छे से धो लेंगे पानी से। इसे हमें 3 से 4 बार धोना है। इसमें जो व्हाइट पाउडर निकलता है वो सारा निकाल देंगे इसमें से, और फिर इसमें साफ पानी डालकर 15 से 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे इसे साइड में। फिर उतने टाइम में हम एक कढ़ाई चढ़ा देते हैं गैस के ऊपर। इसमें 1 बड़ा चम्मच घी ऐड कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो घी की जगह तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट घी से इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसमें डालेंगे हम कुछ खड़े मसाले जैसे दालचीनी, लौंग, हरी इलायची, तेजपत्ता और काली मिर्च। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे और कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेंगे ताकि इन मसालों का स्वाद तेल में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। फिर इसमें ऐड करूंगी मैं 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ। सौंफ ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हमारे पुलाव में। जैसे ही जीरा और सौंफ चटकने लग जाए हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे इसमें। देखिए जीरा ने अपना कलर चेंज कर दिया है और ये चटकने भी लग गए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 बारीक कटा हुआ प्याज। इसे मैंने बारीक पतला पतला काट लिया है। आप चाहे तो इसे चॉप भी कर सकते हैं। इसे हम पका लेंगे लगभग 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही हमारे प्याज पक जाए, 2 मिनट हो गया है, इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने फ्रेश अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो बाज़ार वाला अदरक लहसुन का पेस्ट के इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट फ्रेश का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। इसमें डाल दिया है मैंने हरी मिर्च। अब हम इसे पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक अदरक लहसुन का जो स्मेल है, अरोमा है, वो चला नहीं जाता तब तक। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी 1 कप हरे मटर के दाने। ये फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मैंने डाला है 1 स्लाइस किया हुआ टमाटर, और फिर जो चावल हमने भिगो कर रख दिए थे वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं डालेंगे नमक स्वाद अनुसार, और फिर अच्छे से इन सबको मिला लेंगे। मैंने यहाँ पर गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम रखा है। अच्छे से मिलाने के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। इससे हमारे जो पुलाव है उसके चावल एकदम खिले खिले बनेंगे, इसलिए ये स्टेप को ज़रा भी मिस मत कीजिएगा। 2 मिनट हो चुका है अच्छे से। मैं फिर से एक बार चला लूँगी इसे, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। इसकी जगह आप पुलाव मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फ्राइड राइस का जो मसाला आता है वो भी 1/2 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे पुलाव में। इसमें डाल दिया है मैंने 2.5 कप पानी। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपको सिर्फ 2 कप पानी लगेगा, लेकिन मैं इसे पैन में पका रही हूँ इसलिए मैंने 2.5 कप डाला है। पानी जैसे ही बॉईल हो जाए हम इसे पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर। देखिए पानी जितना भी था वो इवोपरेट हो चुका है, सूख गया है। एकदम हल्के हाथ से मैं इसे हिलाकर बता रही हूँ आपको, ज़रा भी पानी नहीं बचा है इसके अंदर। ऊपर से मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटे हुए हरे धनिए के पत्ते। इससे बहुत ही अच्छा फ्रेशनेस आएगा हमारे मटर पुलाव में। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ केसर। जी हाँ, केसर को मैंने पानी में भिगो दिया था, और फिर उसका जो पानी है वो मैं ऐड कर दूंगी। खाली कुछ बूंदें ऐड कर रही हूँ इसकी। इसकी जगह आप येलो फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे हमारा जो पुलाव है उसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। जैसे ही हम कलर ऐड करेंगे इसे ढककर हम छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। याद रखिए गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया। रायता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 बीटरूट को अच्छे से धो लिया था, फिर उसका छिलका निकाल कर इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो उसे बॉईल कर सकते हैं, पर बॉईल करने से उसके कुछ पोषक तत्व निकल जाते हैं उसमें से, इसलिए मैंने ऐसे ही ग्रेट कर लिया है उसका सारा बेनिफिट्स लेने के लिए। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप घर की बनी हुई फ्रेश दही। इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन्स है, तो ये इन शॉर्ट एक बहुत होलसम मील है आपके लिए। आप इसे लंच में सर्व किए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा।
इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ उसे चटपटा बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है भुना हुआ जीरा पाउडर, चाट मसाला, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ काला नमक। काला नमक ऐड करने के बाद इसे और भी ज़्यादा कलरफुल बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी कटा हुआ धनिया पत्ती। इससे भी इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रायते में फाइबर बहुत ही ज़्यादा हाई कंटेंट में होता है, इसलिए ये हमारे डाइजेशन को बहुत ही अच्छा रखता है। देखिए मिक्स करने के बाद कितना बढ़िया कलर आया है हमारे रायते को। अब चलिए इसे तड़का लगाते हैं। बीटरूट थोड़ा मीठा होता है, इसलिए तड़का लगाने से इसके जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छे से बैलेंस हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है एक चम्मच तेल, जिसमें मैं ऐड करूँगी राई। आप चाहे तो यहाँ जीरा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे ही राई चटक जाए इसमें मैं डालूँगी कटा हुआ हरी मिर्च, और फिर डालूँगी इसमें कुछ कड़ी पत्ते। और जैसे ही कड़ी पत्ते भी सिजल करने लगे इसमें डालेंगे चुटकी भर हींग, और इस तड़के को फिर हम ऐड कर देंगे हमारे रायते के ऊपर। तड़का ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर दीजिए रायते। इस रेसिपी को आप लंच या डिनर में ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग।